कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने रुद्रपुर में खिलौना गूथ सेंटर का शिलान्यास किया। उद्घाटन करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री का बंगाली समुदाय की महिलाओं ने पारंपरिक रूप से स्वागत किया। खिलौना सेंटर के स्थापित होने से 13 ग्राम संगठन से बने बढ़ते कदम नामक क्लस्टर की 1250 महिलाओं को खिलौनों का उत्पाद और विपणन कर रोजगार प्राप्त करने में मदद मिलेगी। वहीं इसके लिए महिलाओं को सॉफ्ट टॉयज और डेकोरेटिव आइटम्स मेकिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए भवन निर्माण और महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए 30,50,000 रुपए स्वीकृत किए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि महिलाएं खिलौना ग्रोथ सेंटर में उचित प्रशिक्षण के साथ खिलौनों का उत्पाद कर उन्हें बाजारों में बेच सकेंगी, जिसमें सरकार भी उनकी सहायता करेगी। इसके साथ ही महिलाओं की आय में भी वृद्धि होगी। आगे उन्होंने कहा, सितारगंज विधानसभा को प्रदेश की विकसित विधानसभा बनाना है, उसके साथ ही उत्तराखंड का पहला एक्वा पार्क बनाया जाएगा, जिससे क्षेत्र की महिलाओं युवाओं को रोजगार मिलेगा। सितारगंज से संवाददाता जफर अंसारी की रिपोर्ट। वादा किया था कि बिल्कुल ग्राम पंचायत में खिलौनों का सेंटर बनाया जाएगा। ये ग्रोथ सेंटर जो है, इसमें जो हमारी महिला समूह की, इसमें रोजगार स्पेसिफिक नहीं है, ये जितनी भी हमारी समूह की महिला है, ट्रेनिंग स्पेशिंग दी जाएगी। एक ट्रेनर बुलाया जाएगा जो उनको खिलौना बनाना सिखाएगा। 12 तरीके के खिलौने हैं जो वो सीखेंगे, तो उसके बाद वो बनाने के बाद वो हमारे ग्रोथ सेंटर को खिलौना दिया जाएगा और सरकार उस ग्रोथ सेंटर के द्वारा उस खिलौना देगी।